बांदा में आज सरकारी अध्यापकों ने सरकार द्वारा प्रतिदिन स्कूलों में पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने व एमडीएम के डिजिटलाइजेशन को लेकर नाराज शिक्षकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले आज जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी एवं एमडीएम के डिजिटलाइजेशन को अनिवार्य करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से इसमें संशोधन की मांग रखी है। वहीं स्कूलों पर शिक्षकों द्वारा पहले से कई सुविधाओं की मांग की जा रही थी। पहले उनकी मांगे पूरी हो तब डिजिटल हाजिरी पर शिक्षक अपनी सहमति देंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से हमारी मांगे ये है, पहले की जो हम लोगों को जो टैबलेट दिए गए हैं वो गांव में चल नहीं रहे हैं, ना ही सर्वर आ रहे हैं उनके, और जो टैबलेट दिया गया है वो हैंग करता है। हम लोग कैसे ऑनलाइन उपस्थित दे पाएंगे? बरसात का सीजन है, आवागमन के साधन नहीं है हम लोगों के जाने के लिए। हम लोग उसका अटेंडेंस का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारी सुविधाएं वो दें हमको, हमारी मांगे पूरी कर दें, हम लोग दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो हमको दिक्कत आ रही है वो तो परेशानी, समय से विद्यालय में किताबें नहीं पहुंच रही हैं, अभी तक भी एक भी किताबें नहीं पहुंची हैं विद्यालय में हमारे, डीबीटी का पैसा नहीं आ रहा है, और वे और डीबीटी का है बच्चों का करवा लिया था, आधार कार्ड में पैसा नहीं आता, तो टीचर को शिक्षा आ जाता है, हमारे अपने मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता, हमारे मोबाइल में ऐसी ऐसी इंडिजियल गाँव है जहाँ पे अभी तक ना तो शौचालय है विद्यालयों में और ना ही आज की वे जो भौतिक परिवेश है वो सुधरा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।